आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हमारे पास क्वेश्चन है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B ऑफ 0.3 टेस्ला इज अलोंग द पॉजिटिव z डायरेक्शन ए रेक्टेंगुलर लूप ए बी ई डी ऑफ द साइड 10 बाय 5 सेंटीमीटर कैरीज अ करंट ऑफ आई ऑफ 12 एम्पीयर आउट ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट ओरिएंटेशन विच वन क्रॉस टू स्टेबल स्टेबलियम देखो जब कभी भी हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है जब कभी भी कोई लूप हमारा मान लो एक कर आई करेंट है यहाँ पे डायरेक्शन करेंट करिंग लूप है अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में प्रजेंट है तो उस उसपे क्या लगता है उस उसपे एक टॉर्क लगता है ठीक है उस उसपे एक टॉर्क लगता है टॉर्क कितना होता है एम क्रॉस बी और एम क्या होता है अगर इसका करंट आई है और एरिया ए है तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है एम और ये कितना होता है आई इंटू ए इसका डायरेक्शन किधर होता है आई एम मैग्नेटिक मोमेंट का आप करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है करंट के डायरेक्शन को आप अलोंग अपने राइट हैंड के कर्ल फिंगर को कर्ल करोगे तो आपका थम का डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन देगा ओके तो यानी अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम चाहिए तो टॉर्क जीरो होना चाहिए सबसे पहली बात अब हम इसी कंसेप्ट का यूज करके यहाँ देख लेते हैं देखो पहला वाला ऑप्शन में इस वाले ऑप्शन में करेंट का डायरेक्शन कितना एंटी क्लॉक वाइज किधर एंटीक्लॉक वाइज मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में यहाँ पे बोल देखा है तो अगर मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर आएगा मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन आपके प्लेन से आउटवर्ड आपकी तरफ आएगा ठीक है और मैग्नेटिक ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जेड की तरफ आएगा तो टॉर्क एम क्रॉस भी करोगे टॉर्क का डायरेक्शन आप ध्यान से देखो यहाँ पे टॉर्क का डायरेक्शन कुछ इस साइड आएगा तो ये टॉर्क का का डायरेक्शन आ रहा है यानी स्टेबल नहीं है इक्ले पे टॉर्क जीरो नहीं हो रहा है पहला ऑप्शन गलत हो गया दूसरा वाले में देखो करेंट का -कर डायरेक्शन किधर है करेंट का -कर डायरेक्शन इधर से इधर यानी का -कर डायरेक्शन पे अपने राइट हैंड के फिंगर को कल करोगे तो आप मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन आपको माइनस वाई एक्सिस के लौंग आएगा इधर और मैग्नेटिक फील्ड किधर है ऊपर तो एम क्रॉस बी करो ये एम का डायरेक्शन हो गया एम क्रॉस बी करो तो आपका टॉर्क का डायरेक्शन आएगा तो माइनस एक्स एक्सिस के लो तो यहाँ पे भी टॉर्क आ रहा है तो यानी ये ऑप्शन भी गलत थर्ड ऑप्शन देखो तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन देखो इस ऊपर जेड के अलॉन्ग और मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर है देखो करंट इधर है ना आप करंट right के डायरेक्शन राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करो मैग्नेटिक मोमेंट थंब का डायरेक्शन देगा जो कि ऊपर अपवर्ड की ओर आएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर तो एम क्रॉस बी तो एम क्रॉस बी में एम और बी सेम पैरेलल है तो यानी ये टॉर्क कितना हो जाएगा टॉर्क जीरो हो जाएगा यहाँ पे टॉर्क जीरो है यानी ये स्टेबल इक्वेरियम है अब देखो यहाँ पे अब यहाँ पे देखो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन जो है नीचे डाउनवर्ड की है और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर में है तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है आपका टॉर्क तो जीरो हो रहा है एम क्रॉस बी में एम बी देखो टॉर्क क्या होता है टॉर्क होता है एम बी साइन ऑफ थीटा टॉक साइन एक सौ अस्सी डिग्री भी जीरो हो रहा है लेकिन टॉर्क जीरो होने के बावजूद ये जो है स्टेबल नहीं है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है ये ियम है क्योंकि इस केस में एनर्जी हाई होता है जब होता है, और जो फील्ड और मोमेंट का डायरेक्शन सेम होना चाहिए एंगल जीरो होना चाहिए तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा राइट सी थैंक यू यही अपन से पूछा था क्लास सिक्स से लेके नीट आईआईटी आई टी जे और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा है आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर